जेपीएससी मामले पर आंसू पार्टी के गोमिया विधायक लंबोदर महतो और जेपीएससी आंदोलन में शामिल छात्र की 3 सदस्यीय टीम आज राजभवन पहुंची और राज्यपाल को पूरे आंदोलन की प्रक्रिया से अवगत कराया। मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए गोमिया विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 27 तारीख तक अगर जेपीएससी की तरफ से मामला क्लियर नहीं होगा तो छात्रों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो उनका उनके द्वारा जो समय दिया गया था 24 घंटा का, वो 24 घंटा भी पार हो गया और इस 24 घंटा में भी अभी तक कटअप जारी नहीं हुआ। और 2 दिन पहले ही हम लोग उनसे मिले थे, चेयरमैन से भी मिले थे, सारे त्रुटियों पर उनको ध्यानाकृष्ट कराया गया था, सारे अनियमितताओं की ओर उनका ध्यानाकृष्ट कराया गया था और उन्होंने 4 दिन का समय लिया था कि शनिवार तक का समय दीजिए, शनिवार तक सारे जितने भी अनियमितताएँ हुई है, जितना का जो भी शिकायत और आरोप आया, सारे आरोपों का सारे शिकायतों का बिंदुवार हम लिखित जवाब दे देंगे और कटअप भी जारी करेंगे। तो अभी तक तो कटअप जारी नहीं हुआ, 24 घंटे में पार हो गए हैं। निश्चित रूप से राज्य के छात्रों में हताशा बढ़ता जा रहा है। वहीं मौके पर मौजूद जेपीएससी अभ्यर्थी देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि वे अपनी मांगों को लेकर लगातार 23 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जेपीएससी अध्यक्ष के कानों में जू तक नहीं रेंग रहा है। वह सिर्फ खानापूर्ति कर रहे हैं और कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। अन्य राज्यों में भी परीक्षाएं ली गई हैं। परीक्षाएं लेने के बाद सभी राज्यों में रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी किया गया है, लेकिन सिर्फ झारखंड में ही रिजल्ट के साथ कट ऑफ जारी नहीं किया गया है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि जेपीएससी परीक्षा में भारी गड़बड़ी की गई है, जिसे छुपाने में सभी अधिकारी लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार हमारी नहीं सुनती है और कट ऑफ जारी नहीं करती है, उनका आंदोलन जारी रहेगा। आँख पे आँख गड़ा करके जो है कि छात्रों का हक अधिकार को लेकर के लड़ा था, तो क्या वो झामुमो सुनियोजित आंदोलन था क्या? ये लोग को शर्म नहीं आता है बात करने में? ये लोग बेशरम, इतना हाथ गिर गया है। आपको तो बयान देना चाहिए कि कब जेपीएससी रद्द हो रहा है, आपको बयान देना चाहिए कि कब कटअप जारी हो रहा है, आपको बयान देना चाहिए कि कब यहाँ आसानी नीति लागू हो रहा है, उसमें आप मौन है। 23 दिन से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, आप अंधा है? अरे वो विपक्ष में है, हमारा आंदोलन को साथ देने आया तो हमारा आंदोलन को बदनाम करने का जो है कि साजिश रच रहे हैं। एक अगर इस तरह का आप जो है कि ओछी और नीच राजनीतिक के चलते छात्रों का आंदोलन को बदनाम करने का कोशिश कीजिएगा तो आप झारखंड में कहीं टिक नहीं पाइएगा। कान न्यूज विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट।